हाय गाइस, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं टेक मॉनिटर्स। दोस्तों, फाइनली Redmi Note 5 के ऊपर एक और एक अपडेट आ चुका है और ये MIUI 9.5.12.0 है, जो कि एक ग्लोबल स्टेबल वर्जन है जो कि आपको अपने Redmi Note 5 में मिल जाना चाहिए। अभी तक कल रात को ही इसे रोल आउट करना शुरू किया गया है और आप अपने फ़ोन के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं कि किसी तरह का अपडेट आया है या फिर नहीं। दोस्तों, ये 48 MB का अपडेट है जहाँ पर इन्होंने कुछ बग्स फिक्स किया और इसके अलावा कॉलिंग के वक्त भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। तो अपने फोन से वो कॉल करते हैं किसी को तो यहाँ पे उनका जो फोन है वो रीबूट हो जाता था, तो थोड़े बहुत यहाँ पे बग्स को इम्प्रूव किया गया और इस कॉलिंग के इशू को फिक्स किया गया। इसके अलावा परफॉर्मेंस को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसे अपडेट करते हैं, आपका जो फोन का जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे 1 May 2018 का अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच भी इन्होंने दिया है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या ये ओरियो का अपडेट है या फिर यहाँ पे फेस आईडी का ऑप्शन दिया है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ना ही ये ओरियो का अपडेट है ना ही यहाँ पे फेस आईडी का ऑप्शन इन्होंने दिया है, तो ये हो सकता है कि आपको आने वाले अपडेट में मिल जाए। तो ये काफी छोटा सा अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पे फोन भी काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, कोई भी किसी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है और किसी भी तरह का मैंने प्रॉब्लम इसमें नोटिस नहीं किया, ना ही कोई मुझे बग इसमें यहाँ पे अभी पता चला है। तो बहुत ही बेसिक सा ये अपडेट है और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ओरियो अपडेट और फेस आईडी का अपडेट यहाँ पे Xiaomi कब तक देने वाला है। हो सकता है ओरियो अपडेट के साथ ये आने वाले कुछ ही दिनों में हमें दे दे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल है इस अपडेट को लेकर तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।